अच्छा, एक बात बताइए, महात्मा गांधी की तुलना मोदी से करना हमारे उपराष्ट्रपति ने की है? मैं नहीं मानता, महादेव को महात्मा गांधी को तो मैं मानता नहीं हूँ सीधे से, महात्मा गांधी को मैं नहीं मानता, मेरा वो मानना नहीं है। देखो, अगर मुझे तो भगत सिंह अच्छे लगते हैं, देखो अच्छी बुरी की बात है, मुझे भगत सिंह अच्छे लगते हैं, मोदी जी देखो मोदी जी है, मैं मोदी जी की तुलना लाल बहादुर शास्त्री से कर लूंगा, क्योंकि वो नहीं, महात्मा गांधी कुछ नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं थे, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन मेरे को अच्छे नहीं लगते, देखो सीधी सी बात। क्यों नहीं अच्छे लगते, क्या देखो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपना विचार कीजिए, हम उसमें कोई भी कोई वैसा नहीं कुछ मसला। देखो मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं इसमें क्या विचार करूं, क्या क्यों नहीं, नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मुझे इस पे नहीं करना, आप पूछ लो, मुझे महात्मा गांधी के बात ही नहीं करते, मेरे को बस अच्छे नहीं लगता तो अच्छे नहीं लगता, वो ऐसी चीज है कि खाने में आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। गोट्स के बारे में क्या ख्याल है? गोट्स देखो मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं है, गोट्स से उसको बताओ, मुझे ना मुझे नाम की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नाम याद नहीं रहते। गोट्स से महात्मा गांधी को, अच्छा गोट्स से नहीं, जो उसने पता कहा जाता है कि फिल्म आई थी तो गोट्स से ने बताया था उसने गांधी जी को क्यों मारा, तो बात तो देखो गोडसे के हिसाब से गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी उस वक्त बता सकते थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बचाया, गांधी जी की वजह से देश का बंटवारा हुआ, और देश का बंटवारा होने पर गांधी जी ने देश का बंटवारा, गांधी जी ने उनको पैसे भी दिलवाए। ये कहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिलती है, जो फिल्म आती है उससे मिलती है, बहुत सी मिलती है। मतलब फिल्म जरूरी है कि वो रियल ही हो, वो फिक्शंस पे भी होती है, उसमें एक टैगलाइन आती है कि ये इससे हाँ। रियलिटी का कोई वास्ता नहीं है, या फिर कुछ रियलिटी है कुछ फिक्शंस है, ऐसा भी होता है, होता फिल्म है। पर आप विश्वास पूरा कर लेंगे? पूरा तो नहीं करते, लेकिन ऐसा है कि देखो मानने वाली होती है, धारा बन जाती है तो बनी जाती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलाई, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? अहिंसा पे इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि हिंसा पे विश्वास? मैं आपसे बताऊं, सिर्फ अहिंसा से कुछ नहीं होता, देखो सीधी सी बात है, अगर अहिंसा इतना बड़ा हथियार होती ना तो ठीक है, तो अहिंसा में होता इतनी ताकत होती ना, तो हमारे देश के जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो पंडित थे, जो यहाँ बैठते हैं, तो उन पर इतना वो अत्याचार नहीं होता, ठीक है। हिंसा भी मायने रखती है, अगर भगत मतलब आप कह रहे हैं हिंसा का रास्ता भी चुनना चाहिए, हिंसा अहिंसा दोनों मिलके, जहाँ पे हिंसा से बात बन रही है वहाँ पे हिंसा करनी चाहिए, जहाँ पे अहिंसा से है वहाँ पे हिंसा से कौन अगर देखो इंसान प्यार से समझ जाए तो ठीक है, जैसे कि आप देखो रामायण में क्या हुआ, भगवान राम जी ने रावण को प्यार से समझाया, अगर वो समझ जाता तो होता ही नहीं, महाभारत में क्या हुआ, किसने दुर्योधन को प्यार से समझाया, अगर वो समझ जाता है तो युद्ध नहीं होता। हिंसा कहाँ का सॉल्यूशन होता है, किस चीज का सॉल्यूशन होता है? इंसान सामने वाला बात मानने को तैयार ना हो, ठीक है, सुधरने को तैयार ना हो, मोदी जी गांधी जी से बेहतर है, गलत काम कर रहा है, देखो कोई किसी से बेहतर नहीं होता, ना कोई अच्छा होता ना कोई बुरा होता है, इंसान के काम निर्धारित करता है, किसी को कंपेयर करना। तो उपराष्ट्रपति हमारे क्यों कहते हैं कि भाई एक था युग महापुरुष का, यानी कि जो गांधी जी थे वो महापुरुष थे, आज का जो युग है भैया अभी भी तो देखो देश में मोदी से गाने पर टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, आपको लगता नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ा है, देश में 5G आ गया, कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, पीछे, पीछे। हाँ। आज हमारे देश की इकोनॉमी नंबर 3rd पे आ गया, नंबर 2nd का प्लान है, देश में कितने कितने काम हो रहे हैं, देश चलो ठीक है।